शहर के नवग्रह मेला मैदान पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत आत्मनिर्भर के तहत महिला बाल विकास विभाग द्वारा जिला स्तरीय हुनर हाट का आयोजन रखा गया, जिसमें जिले भर की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आयोजन मेले में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने विभिन्न स्टॉल लगाए, जिसमें माहेश्वर साड़ी, आदिवासी तीर कमान, अचार पापड़, बड़ी सावन, अनेक प्रकार के व्यंजन सहित अनेक स्टॉल लगाए गए और उन्हें बेचे गए। इस मौके पर बड़ी संख्या में विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। महिला बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी रत्ना शर्मा ने बताया कि आम जनता इससे जुड़े और इनको पहचान मिले, इसको मार्केट में दिलाने की कोशिश की जा रही है, जिससे जिले भर की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा विभिन्न स्टॉल लगाकर सामान बेचे गए हैं। ये 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से लेकर 3 दिन का एक उत्सव मना रहा है महिला बाल विकास, जिसके अंतर्गत आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत जो स्व सहायता समूह हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए हम लोगों ने ये ऑर्गेनाइज किया। इसको हुनर हाट का नाम दिया है। इसमें विभिन्न हर परियोजनाओं से, हर जो शहर है गांव से स्व सहायता समूह आए हैं और अपने अपने उत्पादन जो स्वयं बनाते हैं उनको उत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए हमने आज स्टॉल उनको अवेलेबल कराई है। ये सारे समूह के लोग हैं और आज मेले ग्राउंड में हमारा उद्देश्य ये है कि मेला ग्राउंड में लगाने का उद्देश्य ये रहा कि आम जनता इससे जुड़े और इन लोगों को एक पहचान मिले और इनको एक मार्केट दिलवाने की कोशिश की गई है। इसमें महेश्वरी स्टॉल लगा हुआ है और आदिवासी जो बनाते हैं NRLM के लगे हुए हैं, अचार पापड़ बड़ी साबुन के और हैंड वॉश के लगे हुए हैं। इसके साथ ही साथ फूड जोन का भी आयोजन किया है। इसमें बहुत ही शुद्ध और अच्छे तरीके से बने हुए व्यंजन भी हैं और रिजनेबल रेट में स्व सहायता समूह बेच रहे हैं। तो मेरी जनता से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा आकर जब सभी स्व सहायता समूह का उत्साहवर्धन करें और उनको एक बाज़ार प्रदान करें। खरगोन से UD News के लिए सलाम अंसारी की रिपोर्ट।